मराठा आंदोलन का इशू उठ रहा है, ओबीसी आंदोलन उनकी भी सभाएं चल रही है। जहांगीर पाटिल ने 20 जनवरी की जो है वो मुंबई आने वाले हैं, ऐसे एक चेतावनी दी है। सरकार का प्लान क्या है, सरकार किस तरह से आरक्षण देना चाहती है? आपके आपने आरक्षण दिया था वो हाईकोर्ट में टिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई, नहीं टिक पाया। अब आपका प्लान क्या रहेगा आरक्षण देने को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण हमने दिया था और जो हाई कोर्ट में टिका था, लेकिन उद्धव जी के काल में सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया। तो जो डिफिशियंसीज सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की है, उसके ऊपर हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको नया डेटा कलेक्शन करने को कहा है ताकि वो डिफिशियंसीज दूर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप हमने कार्य शुरू किया है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग उसको एक समय सीमा में पूर्ण कर पाएंगे और हमारी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, आयोग तो स्वायत्त तो होता है, लेकिन उसका रिपोर्ट हम लोग लेंगे और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हम इसमें से मार्ग निकाल पाएंगे। और दूसरा, किसी भी हालत में हमारे जो ओबीसी है इनका जो आरक्षण है उस पर हम कोई आँच नहीं आने देंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट जैसी आए आप लोग उस एक स्पेशल अधिवेशन ले सकते हैं, 17 बुला सकते हैं, और उसके बाद जैसा अध्यादेश निकाल के। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अधिवेशन में घोषित किया कि हम स्पेशल अधिवेशन बुलाएंगे। यानी कि जैसे आपने अध्यादेश निकाल कर आरक्षण दिया था 12-13 नहीं, परसेंट अध्यादेश क्यों हाँ निकालेंगे, हम तो जो करना है कानूनन करेंगे।